हेलो फ्रेंड्स, आपका भी टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाऊँ जिससे मैं आपको MIUI 10 के लेटेस्ट बीटा अपडेट 8.9.6 का रिव्यू देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये अपडेट को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया अपने डिवाइस पे। सो आप देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस अपडेट हो चुका है और हमें यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिल रहा है। हमें अभी भी अगस्त का पैच देखने को मिल रहा है, सेप्टेम्बर का नहीं आया है। फिर भी ठीक है, हम अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है सेप्टेम्बर की, हमें मिड सेप्टेम्बर तक लेटेस्ट पैच देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें इस अपडेट में कोई ज़्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ये लगभग 112 MB का अपडेट था रेडमी नोट 4 में और ये था 71 MB का अपडेट रेडमी नोट 3 में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई ज़्यादा खास चेंजेस मेंशन नहीं किए गए हैं। हर अपडेट के जैसे यहाँ पर दो चीज़ों को ही मेंशन करा गया है, जो कि है इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करी तो मैंने यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नोटिस नहीं करी है इस अपडेट पर। मैंने बस इतना ही नोटिस करा है कि डिवाइस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो गई थी प्रीवियस अपडेट पे, जो कि यहाँ पर इस अपडेट में फिक्स हो चुकी है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बार में जो नोटिफिकेशन स्टक हो जाते हैं उनको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। मेरे रेडमी नोट 3 पर भी यही इशू थी तो उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड नहीं आया है इस अपडेट में। और अभी अगर मैं आपको यहाँ पर थीम्स में भी ले जाता हूँ तो आपको यहाँ पर थीम्स पर भी मतलब जो वॉलपेपर्स में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वीडियो वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर का। सो फ्रेंड्स, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ है और Xiaomi ने लगता है वो ऐसे ही इस फीचर को प्रोवाइड करवा दिया, मगर इसको वर्किंग कंडीशन पे अभी लाया नहीं गया है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में सिर्फ इतने ही चेंजेस हैं और एक चेंज यहाँ पर और आया है जो कि सिक्योरिटी ऐप में है। तो हमें यहाँ पर पहले फर्स्ट एड का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता था, अब हमें एक हार्डवेयर टेस्ट का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हार्डवेयर्स के बारे में देखने को मिलता है। हम यहाँ पर अपने हार्डवेयर्स को चेक कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैश रिसाइकल और एक्सचेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर वन असिस्टेंट इंश्योरेंस भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नए डिवाइस के लिए, मेरे डिवाइस अभी वारंटी पे है फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लोडिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया डिवाइस हैज़ एक्सीडेड द वैलिड परचेज डेट एंड अनसपोर्टेड फ़ोन टाइप। सो फ्रेंड्स, ये डिवाइस मेरा अभी वारंटी में है फिर भी यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये अभी नया फीचर है तो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, इस अपडेट के लिए सिर्फ इतना ही, हमें यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।